दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लोग सिटी आए थे, इधर हमें फ़िश वाला भाई नज़र आया, तो इंशाल्लाह हम लोग इधर से फिर फिश लेके जाएंगे। पिछली दफ़ा हम लोग ये वाली फ़िश लेके गए थे, लेकिन ये मार गई। नासिर भाई, इस दफ़ा इधर ये देखा, इधर टर्टाइज भी है, ये लेके जाएँ? हाँ भाई, लेके जाते हैं ये। तो दोस्तों, इस दफ़ा भाई के पास नया माल है, तो इधर से इंशाल्लाह अब हम लोग प्यारी प्यारी फिश लेके जाएंगे। शक्कर भाई, ये देख कितनी बड़ी। हाँ दोस्तों, ये वाली फिश बहुत ही बढ़िया है, तो नासिर भाई आप प्यारी लेके जाएंगे, ठीक है? छोटी फिश अभी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन जो बड़ी थी वो मर गई। दोस्तों, अब हम वो वाली फिश लेके जाएंगे जो ऑक्सीजन के बगैर वाली हो। पहले हम लोग लेके गए थे, वो मर गई थी, तो इंशाल्लाह अब हमारा दिल कर रहा है कि इधर से हम लोग ये वाला टोटाइज लेके जाए और इधर से प्यारी प्यारी फिश लेके जाए, और साथ हम लोग फिश के लिए फीड भी ले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग ने फाइनल किया है कि हम लोग इधर से ये वाला ट्रोटाइज, क्या छोटी फिश थी उनकी खुराक भी खत्म हो गया, वो भी हम हाँ ना सभी खुराक भी ले ले, ये वाला ट्रोटाइज हम लोग ले जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो और कोई फिश लेके जानी है? नहीं नासिर भाई, बस ठीक है, क्योंकि हमारे पास छोटी फिश अभी तक पड़ी है, बड़ी फिश जो थी वो मर गई, तो इसीलिए हम लोग ये ट्रोटाइज ले जाते हैं और फिश के लिए इधर से खुराक ले जाते हैं। हाँ दोस्तों, इस दफ़ा हम लोग फिश के लिए ये वाली बड़ी खुराक लेके जाएंगे। पिछली दफ़ा हम लोग छोटी पुड़ियाँ लेके गए थे, खत्म हो जाती है तो हाँ, फिर हम लोग ये बड़ी है, ये नहीं खत्म होगी। दोस्तों देखे भाई के पास एक ये वाला भी कछुआ है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा। नासिर भाई ये देख, अबू बकर भाई छोटा सा यार ये। हाँ ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, इसके पास और भी है, ये देख नासिर भाई। ये 600 का, ये 400 का। नासिर भाई कौन सा लेके जाना है? अब बता, बड़े लेके जाना है छोटे लेके जाना है? नासिर भाई ये ले जाते हैं, ये वाला छोटे। हाँ चलो ठीक है, वो फिर ले जाते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने फाइनल किया, अब ये वाला इधर से लेके जाएंगे। दोस्तों नासिर भाई कह रहा है कि हम लोगों ने और फिशेज लेके जानी है। हाँ नासिर भाई, नासिर भाई कह रहा है ऊपर वाले में से जोन सी पसंद करनी है वो कर ले। बकर भाई ये लेनी है, ये लेनी है, दोनों में से एक। नासिर भाई तुझे जोन सी पसंद आती है वो तो ले। कौन सी पसंद है तुझे? ये ले जाते हैं नासिर भाई, चलो ठीक है, ये वाले ले जाते हैं। दोस्तों पहले हमारे पास चार छोटी थी, वो अभी भी बिल्कुल ठीक है, तो अभी इधर से और ले जाते हैं। बड़ी हम लोग फिश नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो मर जाती है, तो इसीलिए हम लोग इधर से ये वाले लेके चलते हैं। और हम लोग ने ये वाला कछुआ भी ले लिया, दोस्तों घर हम लोग आ चुके हैं, तो अभी सीधा छत पे चलते हैं। बकर भाई दूसरी फिश के पास जाके रखेंगे, ठीक है? ठीक है नासिर भाई। बकर भाई ये कछुआ हमारा बहुत प्यारा लगा मुझे। हाँ तो सिटी हम लोग काम से गए थे, तो उधर हमें फिश लेने गए, उधर हमें फिश वाला भाई नजर आ गया, तो हमने सोचा कि इधर से हम लोगों ने पहले ली थी वही भाई नजर आया। हाँ हमने कहा कि इधर से फिश के लिए खुराक भी ले जाते हैं क्योंकि उनकी खत्म हो गई थी, और साथ में हम लोगों ने एक ट्रोटाइज ले लिया। दूसरी फिश बाहर निकाल, तो ये देखिए इधर लाख लगाया हुआ है। हाँ बच्चे ऐसे आते हैं और बच्चे फिर कबूतरों को तंग करते हैं, और हमारी एक कबूतरी अंडों के ऊपर भी बैठी है, तो इसलिए इधर लाख लगाया। नासिर भाई माशाल्लाह वो देखिए अभी कबूतर बैठा है। नासिर भाई कभी कबूतर बैठता है कभी कबूतरी बैठती है, वो क्या सीन है? आप बकर भाई अभी कबूतर बैठा हुआ है, कबूतरी किधर है? वो नासिर भाई ऊपर बैठी है, वो ऊपर बैठी है। हमारी फिश पकड़ नासिर भाई, और इस वाले डब्बे के अंदर हम लोग टर्टाइज डालेंगे, के अंदर हम लोग फिश डालेंगे। अब बकर भाई हमें एक और डब्बा लेकर आना पड़ेगा बड़ा। हाँ अब बकर भाई, भाई से हम लोगों ने फिश के फ्रेम की बात की है, भाई कहता है कि फ्रेम बना दूंगा, 5-6 हज़ार खर्चा आएगा, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी बनवा लेंगे। हाँ हम लोग भाई से फ्रेम बनवा लेंगे, भाई कह रहा था कि मैं बना लेता हूँ। दोस्तों हमारे इलाके में बीमारी आई है और बहुत ज़्यादा भाइयों के हमारे गाँव में कबूतर मर गया, और दोस्तों हमारी ये वाली लकी कबूतर भी मर गया जो हम लोग सिटी से लेके आए थे। दोस्तों ये देखें, तो अब आप लोग ने मेरे करके लाजम था ना कि आप लोग के उधर भी इस तरह की बीमारी आई है या फिर नहीं। दोस्तों हमारे तकरीबन 4 कबूतर मर गया है, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आज सुबह फिर एक और कबूतर मर गया। नासिर भाई यार कबूतर मर गया। बकर भाई जो हमारे पास वाइल्ड लकी कबूतर है ना, हाँ उसकी भी तबीयत ठीक नहीं मुझे लग रही, वो भी बीमार लग रहा है, चेक कर जाके अंदर। हाँ नासिर भाई मैंने देखा है, अब वाइट लकी कबूतर और वो देखें, दोस्तों इसकी भी तबीयत खराब है, और ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखें। बता कछुआ किस में डाले और फिश किस में डाले दोनों में? नासिर भाई कछुआ इस वाले बॉक्स के अंदर डालते हैं, और जो फिश है वो इधर डालते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो कछुआ इधर आराम से रहेगा। निकाल निकाल कछुआ, माशाल्लाह कछुआ नहीं फिश है, पहले फिश डालेगा तू? हाँ। चल ठीक है फिश डाल दे। दोस्तों फिश हम लोग ये वाले डब्बे के अंदर डाल रहे हैं, 4 फिश हमारे पास ये हो गई है, 4 हमारे पास उधर पड़ी है,
तो कछुआ दोस्तों वो रहा बहुत ही प्यारा, अभी अली भाई को भी दिखाएंगे। अली भाई स्कूल गया, जब वो आएगा वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो दोस्तों ओए नासिर भाई उठा उठा मार जाएंगे यार। देखिए चारों फिश हमारी इस डब्बे के अंदर चले गई है। अब नासिर भाई कछुआ निकाल, पहली दफ़ा हम लोग ये वाला कछुआ लेके आए हैं। मेरे करके लाजमी तारा है कि इससे फिश को कोई नुकसान तो नहीं होता। नासिर भाई कछुआ पकले पकले डाला नासिर भाई, अरे कुछ नहीं कहता यार। फर्स्ट टाइम पकड़ा हूँ यार दोस्तों, हम लोग फर्स्ट टाइम लेके आए हैं तो इसलिए नासिर भाई भी डरा है। क्या नासिर भाई पकले कुछ नहीं कहता यार। दोस्तों ये देखे कछुआ हमारा अंदर चला गया, इधर रही जी फिश है। तो दोस्तों अभी थोड़ी थोड़ी सी फीड डाल देता हूँ मैं सबको, अबू बकर भाई ज़्यादा ना डल जाए। नासिर भाई बिल्कुल मामूली सी डालनी है, हाँ बहुत है, इतनी बहुत है। अभी ये वाली फिश के आगे भी डाल देते हैं और छोटी फिश के आगे भी डाल दें। दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो ट्रोटाइजा है वो ये वाली फीड खाता है या फिर नहीं। भाई ने कहा था यही खाता है, हाँ तो इसीलिए हम लोग फिर यही ले आए हैं। दोस्तों माशाल्लाह वो देखे पानी में किस तरह से खेल रहा है। और इधर रही जी हमारी जो अभी अभी हम लोग फिश लेके आए हैं, और ये हमारी पहली है। ये पुरानी वाली फिश है, इनको हमारे पास तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। हाँ ना सर भाई, इनके लिए फ्रेम भी बनाना है तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जरूरी है। ये तो बस आरजी जुगाड़ किया हुआ है तो इनके लिए फ्रेम ज़रूरी है। कछुए को इस वाले डब्बे से निकाल के इस वाले डब्बे में डाल दिया है, और फिश को इस वाले डब्बे से निकाल के इस वाले डब्बे में डाल दिया है। तो अब ये आराम से रहेंगे। इस वाले डब्बे में कछुआ तंग हो रहा था तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस वाले डब्बे में डाल दिया है, अब ये ईजी है इधर। दोस्तों आज हमें हमारी बड़ी बतकों की शिकायत आई है। ये रही हमारी बतके, कल हमने आपको दिखाया था छत से कि वो एक खेत में दाना वगैरह चुग रही थी, तो उधर भाइयों ने फसल वगैरह लगाई थी तो ये फसल बहुत शौक से खाती है। क्या कर रहा था भाई उसे? भाई बहुत स्पीड में भाग रही है, और भाई कह रहा था कि ये फसल खराब कर रहे हैं, कल उधर खेत में जा रही थी। तो अभी अली भाई चेक करें जी, इधर सीमेंट वगैरह कर रहा है तो इधर इनके लिए पूल बना रहे हैं। अब देखें दोस्तों कल ये हम लोगों ने सीमेंट बनाया था तो अभी अली भाई नीचे बिछा रहा है, तो इंशाल्लाह फिर इधर सूख जाएगा और फिर साइडों पर करेंगे और फिर इसके अंदर पानी भर देंगे। और देखें दोस्तों हमारी बतके कितनी मज़े से वो देखे वो वाले टब के अंदर नहा रही हैं, उधर पानी है थोड़ा सा उधर नहा रही है। आज हम लोग ने अपनी बतकों को बाहर नहीं जाने दिया। दोस्तों ये वाली बतके बहुत दूर चली जाती है, और आज हमें शिकायत भी आई है कि ये हमारी फसल खा रही है। पानी की बहुत शौकीन है तो अभी भी पानी में नहा रही है। छोटा सा टप है और उसमें देखने लगे दोस्तों वो देखे छोटा सा टप है और दो दो बतके नहा रही हैं। तीन तीन लगी हुई है भाई नहाने, पानी की बहुत शौकीन है भाई, पानी मिल जाए फिर और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों देखे तालाब में कितनी मजे से नहा रही है, वो देख वो देख वो देख माशाल्लाह। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग उस्मान भाई के सेटअप पे आए हैं तो ये भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग दिखाएंगे। आप लोगों ने उस्मान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो उस्मान भाई अपने सेटअप की डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग को दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग उस्मान भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।